मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन जब लोगों को उनका नामा आमाल दिखाया जाएगा, एक शख्स अपना नामा आमाल उठाएगा और देखेगा उसमें हज लिखे हुए हैं कि इसने कई हज किए। वो अर्ज करेगा, मालिक मैंने तो जिंदगी में एक हज भी नहीं किया था, ये मेरे नामा आमाल में इतने हज लिखे हैं। तो अल्लाह फरमाया, अब नीयत का खुलूस देखिए, नीयत में जब हुस्न आ गया तो मेरा रब अजर देखो कैसे दे रहा है। मेरा रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, जब तू अपने मुसलमान भाइयों को हज के लिए रवाना करता था, अगरचे तूने हज नहीं किया, लेकिन तेरे दिल में ये इश्तियाक तो होता था ना, तेरा दिल तड़पता तो था ना, तेरा दिल मचलता तो था ना, मालिक काश के तू भी मुझे माल देता, मैं भी तेरी बारगाह में हज करता। फरमाया, वो जब हाजी जाते थे तेरा दिल तड़पता था, मचलता था, हमने तेरे नाम आमाल में हज लिख दिए। फरमाया, आज तेरे नाम आमाल में हज लिखे हुए। तो नामा आमाल लोग देखेंगे, कई हज लिखे होंगे, कई उम्रे लिखे होंगे। क्यों? उसने नियत कर ली। मेरा रब नियत में जब हुस्न देखता है, उसमें इखलास देखता है, अगरचे वो अमल इंसान नहीं कर पाया, मेरा रब उसका अजर पहले ही लिख देता है।